उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से कानपुर की ADCP साउथ IPS अंकिता शर्मा का डीप फेक वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है। इस वीडियो में लोगों को पेंसिल पैक कराकर पैसे कमाने का ऑफर दिया जा रहा है। जैसे डीप फेक वीडियो में पैसा कमाने का ऑफर दिया जा रहा है। जालसाजों ने तकनीक का दुरुपयोग कर उनके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल कर उन्हें पेन पेंसिल पैक के रुपए कमाने का झांसा देते हुए दिखाया गया है। कानपुर की महिला IPS का ही साइबर ठगों ने नहीं छोड़ा, महिला IPS से डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया है। वीडियो में महिला IPS पेंसिल का व्यापार करती नजर आ रही है। वायरल वीडियो में नजर आ रही है महिला पुलिस अधिकारी का नाम IPS अंकिता शर्मा है। 32 सेकंड के वायरल वीडियो में ADCP साउथ अंकिता शर्मा को घर बैठे पेंसिल और पेन पैक करने की सलाह देती नजर आ रही है। इस दौरान ठगों ने उनकी आवाज व चेहरे का प्रयोग कर बताया कि कंपनी घर में माल देने आएगी, पैकिंग से 30,000 रुपया, हर महीने 30,000 कमाए जा सकते हैं। पूरे वीडियो में IPS अंकिता शर्मा पेंसिल के पैकेजिंग का प्रमोशन करते हुए दिखाई पड़ रही है। अपनी फेक वीडियो वायरल होने के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने कानपुर के किदवई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने वीडियो बनाने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और इस मामले में कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश शंकर ने बताया कि वीडियो वायरल होने की जांच की गई है और ये AI तकनीक से बनाया हुआ प्रतीत हो रहा है। महिला IPS की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही इसके आरोपी सामने आ जाएंगे। अंकिता शर्मा मूल रूप से राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। अंकिता शर्मा के मुताबिक 12वीं के बाद उन्होंने NIT जमशेदपुर से 2014 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से BTEC किया। इसके बाद उन्होंने IPS बनने का रास्ता चुना। साल 2018 में उन्होंने UPSC की परीक्षा पास कर ली थी। जी, एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कानपुर में नियुक्त एक IPS अधिकारी का वीडियो AI के माध्यम से उसमें चेंज करके वायरल हो रहा है। इस संबंध में जैसे ही ये वायरल हुई वीडियो, तो इसमें गोविंद नगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है।